जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है iOS 18 को फेस करके, या फिर आप जो है iOS 18 में जो जो यहाँ पे जो है नए नए फीचर्स भी आए हुए हैं एंड नए नए अपडेट्स में क्या होता है, काफ़ी सारे बग्स वगैरह भी आ जाते हैं, मे बी आप इसे जो है कम्प्लीटली फिक्स ना कर पाओ बस, बट काफ़ी हद तक ये सारे जो है ट्रिक्स मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो जो है आपको काम का होगा, क्योंकि ये वाला हेल्प करेंगे आपके फ़ोन्स के बग को फिक्स करने के लिए। सो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब भी अगर सपोज करो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो फिर आपको तुरंत जो है उस वाले अपडेट को नहीं करना चाहिए, आपको एक दो मिनट यहाँ पे एक दो तीन दिन एटलीस्ट वेट करना चाहिए, या फिर रिव्यू वीडियो देख सकते हो, मेरा भी देख सकते हो या फिर किसी और भी बंदे का देख सकते हो, क्योंकि जब भी आपका जब अपडेट आएगा आप अगर तुरंत अपडेट कर दोगे सो वो जो है आपको बग दे देगा, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। मैं काफ़ी बार पर्सनली इसे ट्राई करने के बाद बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो इमीडिएट अपडेट आपको नहीं करना है, दो तीन दिन रुक जाना है, एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो देख सकते हो चाहते हो तो, या फिर तीन चार दिन रुकने के बाद ही अपडेट करना अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो। बेटर मैं यही कहूँगा कि आप एक रिव्यू वाला वीडियो देख के जो है अपने फ़ोन को अपडेट करो कि आपको वो वाला अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है ग्रीन स्क्रीन इशू आ जाता है, वो भी इसी रीजन की ये अपडेट के रीजन से ही होता है, इसीलिए मेक श्योर जो है आप अपने स्पेशली आईफोन 13 सीरीज़ के और 14 सीरीज़ का तो इतना नहीं है लेकिन इतना भी नहीं है, यहाँ पे जनरली जितना देखा गया है आपको 13 सीरीज़ को जो भी यूज़र्स है उनको काफ़ी ज़्यादा बस एनी कॉस्ट उनको रिव्यू वीडियो देख के ही वहाँ पे जो है अपडेट करना चाहिए, चाहे वो वाला जो है एक ही हफ्ता लेट क्यों ना हो, क्योंकि उनके फ़ोन्स का जो है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ आपको ये करना है कि अगर आपको बीटा अपडेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो एंड एक नॉर्मल सा यूज़र हो आप एंड आपके पास इतना पीसी वगैरह का कनेक्टिविटी नहीं है, सो आप पीसी अरेंज करके या फिर लैपटॉप अरेंज करके आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर सकते हो स्टेबल वर्जन पे, या फिर अगर आप सपोज़ करो अभी 18 में हो तो फिर आई डोंट थिंक अभी 17 में जा सकते हो, 17.7 अवेलेबल होगा तो आप ट्राई कर सकते हो ऐसा कुछ है। एंड इसी जो है आप जब ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगोगे तब आप जो है डाउनग्रेड कर दिया करो, अगर आपका प्रीवियस वाला अपडेट आपके फ़ोन को अच्छे से रन कर रहा था तो। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, अगर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है अपडेट के बाद, सिंपली आपको अपने सेटिंग पे जाना है, जनरल वाला सेक्शन पे जाना है, देन आपको जाने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र एंड रीसेट आईफोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट वाला ऑप्शन को जो है यहाँ पे रीसेट वाले ऑप्शन पे टैप करके आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग जब आप करोगे देन आपका काफ़ी हद तक जो है नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी इशू होगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जो ये होम स्क्रीन लेआउट वगैरह को भी एक बार से रीसेट कर सकते हो, कीबोर्ड के डिक्शनरी को भी कर सकते हो, ठीक है। एंड लोकेशन या फिर होम स्क्रीन के लेआउट जो होते हैं इसमें ऐप्स वगैरह होते हैं इसमें भी अगर कोई भी दिक्कत आता है सो आप इससे जो है गो थ्रू कर सकते हो। दोस्तों लास्ट वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पर बैटरी का इशू होता है, जनरली बैटरी हेल्थ आपका जो है उतना ही होता है, जब आपका अपडेट के बाद अगर बैटरी हेल्थ गिरता है, जैसा कि मेरा भी 95% हो गया है एंड मेरे फ़ोन को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, हालांकि मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इतना गिरना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लाइट यूज़ करता हूँ मैं, गेमिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ठीक है अभी हो चुका है क्योंकि मैं थोड़ा सा इरेगुलर चार्जिंग कर दिया था अपने फ़ोन को 100% तक। तो आपको क्या करना होता है, अपने फ़ोन को 20 से लेके 180% के बीच में चार्जिंग पे लगा देना या फिर 30% पे ही लगा दिया करो, ताकि आपको जो है यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत ना फेस करने को पड़े। इसके बाद अगर बताऊँ मैं सो बैटरी एक डिक्रीज होना एक जनरल सा चीज़ है, अगर आपका एक महीने में 2% भी डिक्रीज होता है या फिर 1% भी डिक्रीज होता है, एप्पल बोलता है इसे जो ये कॉमन है एंड ये जनरली डिक्रीज होता रहेगा, सो आपको ध्यान से यूज़ करना है, अपने फ़ोन को कभी भी हीट होने नहीं देना है ताकि जो कोई भी अपडेट हो और ताकि वो फिक्स हो सके।
एंड नेक्स्ट इज दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आपको कोई ज़्यादा ही बग्स फेस हो रहा है तो आप अपने फ़ोन्स को बाद में रीस्टार्ट कर दो, ये मेरा फाइनल एडवाइस होगा। फैक्ट्री रीसेट कर दो। फैक्ट्री रीसेट करने से आपका क्या होगा, सारा कुछ जो है न्यूली जब लोड होगा मे बी वो सारे बग्स जो है फिक्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड यहाँ पे जो है आप अपने एप्पल आईडी का बैकअप जरूर से ले लेना, क्योंकि जो है बैकअप रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है, आप जो है पीसी से फैक्ट्री रीसेट करते हो या फिर अपने नॉर्मली डायर सी फ़ोन से। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है एक और नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। बाय।